मैं गरीब बंदा हूँ, मैंने साहब को बोला मेरे को छुट्टी दे दो, बोलता अगर तू यहाँ से हिला तो अपने लिए ड्यूटी ढूंढ लेना। बराए मेहरबानी जितने भी यार दोस्त है सबसे मेरी गुजारिश है मेरे लिए काम ढूंढा जाए। भाई हमारा भी प्लान हो रहा है, एक दरगाह है वो बीच रास्ते में पड़ती है जैसे जो मशहूर है छोटा नूरानी के नाम से, उसके बारे में अदनान में बताएंगे। कौन सा नाम है, क्या नाम है उनका? इस दरगाह का नाम है जुमन शाह बुखारी अल मारूफ छोटा नूरानी। चलो जी खजी वाले बाबा भी बोलते हैं, बाकी हम वहाँ चलते हैं। सुना है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का। ये सब आ चुके हैं, पूरी टीम माशाल्लाह से आ चुकी है, तो अभी हम चल रहे हैं। हाँ जी आप इतनी देर लगा? बिल्कुल हमें देर लगा, ये तो मामला थे थाने के, वो निपटा के अब जा। ये माशाल्लाह कोई डकैत वकैत पकड़ा है? डकैत नहीं, ये हमारा प्यारा बच्चा है। चलो माशाल्लाह आज पूरा दिखा। चलो जी अभी हम चलते हैं पूरी टीम के साथ। चलो जी हम भी बैठते हैं अभी। उमर बैठ रहे हो? आसिफ आ गए। चलो चलो मेरा भाई। चलो जी बोल ले। माशाल्लाह जी हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारे दोस्त सब बैठे हुए हैं और उमर आसिफ भी बैठे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है। मैं आपको व्यू भी यहाँ का दिखाता हुआ चलूँ। यहाँ से ट्रेन भी गुजर रही है, ये देखें जी बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह ट्रेन भी गुजर गई सारे माशाल्लाह। खजी आसिफ भी खजी के दरख्त हैं, नारियल के हैं, खजूर के दरख्त है भाई। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है यहाँ पे। पाइप नहीं, कोई पाइप लगाया हुआ है किस चीज़ का? नाइल का? नहीं यार बका भाई आगे आगे थोड़ा सा आप देखें, एक चरागाह सी बनी हुई है, चरागाह देखें। वैसे जो है वो चारे मवेशी चारा खा रहे हैं, मवेशी चारा खा रहे हैं। वही तो हम देखने जा रहे हैं, आओ तो सही।
अच्छा यहाँ पे अच्छा आगे जाने का तरीका इसके ऊपर पांव रखो आगे चला जाए भैंस के ऊपर नहीं यार पांव से रखो नहीं 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 अच्छा ये सारी हरकतें हमने गांव देहातों में करी हुई हैं यहाँ पे की हुई है गांव देहात में जो हमारे उसमें ना वो शाखें होती हैं नहर उसी होती है हम उधर जाते थे ना हम इनके ऊपर बैठ के हम लोग नहाया करते थे ये हमारे भाई हैं अच्छा ये हमारे भाई हैं ये कह रहे हैं मैं यहाँ पे नहा के आपको दिखाता हूँ अच्छा ये पानी साफ है भाई बिल्कुल अरे वाह यार कितना जबरदस्त खजी का व्यू आ रहा है ओए होए माशाल्लाह यार सूरज की किरणें देख मत माशाल्लाह कुदरत की नजारे ये ले भाई बंदा फ्रेश शैम्पू लगा के टाइड हो गया वो कहाँ जा रहे हो भाई मुझे छोड़ के आसिफ भाई सारा हम नजारा करके आ गए हम सारा पूरी संगत बैठे हैं सारी गैदरिंग बैठी हुई है गैदरिंग के साथ खाना वाना भी होता है तो अपनी गैदरिंग के साथ बातचीत भी करते हैं दरगाह पे आए हुए दरगाह का फेर लेने आए हुए अब नंगर भी तैयार है पहले नंगर खा लें बकाया बातें समझ रहे हो ना ठीक हो गया ठीक हो अब खाने का टाइम हो गया दिल से आपकी आवाज माशाल्लाह माशाल्लाह कहाँ से आते हैं लोग सर आप कुछ बोलेंगे आप कुछ बोलेंगे सर मैं गरीब बंदा हूँ मैंने साहब को बोला मेरे को छुट्टी दे दो बोलता अगर तू यहाँ से हिला तो अपने लिए ड्यूटी ढूंढ लेना बराए मेहरबानी जितने भी यार दोस्त है सबसे मेरी गुजारिश है मेरे लिए काम ढूंढा जाए दरगाह का मुतवल्ली भाई इसको दरगाह पे रखो सफाई सुथरा ना बाबा हम भी ऐसे अमर के नहीं सफाई सुथराई करेगा माशाल्लाह भाई खाने का लुत्फ ही खाना तो हर कोई अपने अपने घरों में खाता है लेकिन माशाल्लाह इस नज़ारे में इन खजियों के दरख्त के साए में बैठकर खाने का स्वाद ही अलग है माशाल्लाह ओए होए होए ये नज़ारा देखें ये नज़ारा चेक करें इसी के नीचे माशाल्लाह ओए होए होए लंगर पाओगे हर मर्ज से शिफा पाओगे वाह वाह ऐसा ही है ना भाई बिल्कुल पानी वो शिफा मंद है बिल्कुल बिल्कुल सर ये अल्लाह के नेक बंदे हैं इन्होंने जो है वो जिंदगी वक्त की अल्लाह के कामों के लिए इनायत भाई ये आपने ब्लैक चश्मा लगा हुआ है कोई वजह इसकी लगाने की मैं बताऊंगा खाने के बाद मशरूम अच्छा के बारे में हमने आपको जो रिव्यू देखा यकीनन आपको ये सारा नज़ारा देख के पसंद आया होगा अभी हम आपके लिए ये आसानी कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आए एक ये बहुत अच्छी जगह है फैमिली के लिहाज से आप यहाँ देखें फैमिली आई हाँ देखें वो पीछे आप देख सकते हैं खैर फैमिलीज को तो वीडियो में तो नहीं ले सकते लेकिन देखें गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं दूसरी तरफ मजीद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यानी कि फैमिलीज बहुत यहाँ आई हुई हैं तो फैमिलीज के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है ये बहुत पुरसकून माहौल